ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो कभी तो होगी पूरी, मैं मांगू दुआ जो। इतनी सफाई से सब काम किया मैंने, इतनी राजदारी से फिर भी पकड़ा गया। जरूर किसी ने मेरी मकबरी की है, लेकिन किसने? मैंने। मैंने किया है मुखबरी। मैंने हारून को बताया था कि तुम नकली नाम और पासपोर्ट के साथ मुल्क से भाग रहे हो। तुम्हारे नकली नाम के साथ तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म करने में हमें ज़रा दिक्कत नहीं है। जो इंसान सारी जिंदगी दूसरों को डस रहा हो, उसकी मुंह से बातें पता है कैसी लगती है? अंदर इंस्पेक्टर से तुम्हारे जुराइम की दास्तान सुनकर आ रही हूं मैं। यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अरसा तुम जैसे करप्ट इंसान के साथ गुजारा है मैंने। हारून जाना, वो फंसा रहा है। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। ये सब उसका प्लान है, उसने मुझे इस उल्टे सीधे केस में फंसा लिया। मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो उस दिन बालकनी से क्यों भागे थे तुम? अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर में क्यों छुपे बैठे थे? दुबई क्यों भाग रहे थे? सच्चे थे ना, सबका सामना करते। हारून और मानूर ने ना, उन्होंने मिलकर मेरे लिए जाल बुना है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। बच निकलने का ये रास्ता था, मैं कुछ अरसे के लिए सिर्फ कहीं जाकर छुप जाऊं, इसलिए मैं दुबई जाने का इंतजाम कर रहा था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। याद करो उस दिन तुम्हारे घर में हम इसी वाले से बात कर रहे थे ना, जब हारून ने पुलिस बुला ली थी। याद है ना तुम्हें? ना कितना झूठ बोलोगे मुराद, तुम थकते नहीं हो ये चाले चल चल कर? मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। तुम बस किसी तरह ना, किसी तरह प्लीज जल्दी से मेरी, बस किसी तरह मेरी जल्दी से जमानत करवा दो, फिर देखो मैं अपने ऊपर लगे सारे इल्जामात को झूठ साबित कर दूंगा। अभी कुछ देर पहले तो मैं आस्तीन का सांप थी, अभी उसी आस्तीन के सांप से मदद मांग रहे हो तुम? कितने शातिर खिलाड़ी हो तुम मुराद। तुम मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं हारून ने तुम्हारी ना ब्रेन वॉशिंग कर दी है यार। वो तुम्हें मेरी जिंदगी से निकालना चाहता है। मैंने उसकी टेप भी सुनाई थी ना तुम्हें, याद है? याद करो ना यार, मैंने तुम्हें टेप भी सुनाई थी। फिर तुम उसका यकीन कर रही हो और मुझ पर यकीन नहीं कर रही, क्यों? क्यों मुझे हारून ने ब्रेन वॉश किया? या तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई हो? मैं सब जान चुकी हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तला की किडनैपिंग में तुम मुलव्वस थे। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की बातें सुन ली थी। इंसान के लाने की भलाई क्यों हो? दिल तो चाह रहा है कि कानून से मिलने वाली सजा का भी इंतजार ना करूं, अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूं मैं। इतना अरसा तुमने मुझे और मेरे बेटे को अजियत में रखा, तुम तो इंसान के लाने के भी लायक नहीं। बहुत अरसा मैंने तुम्हारी झूठी सच्ची दास्तान पे यकीन किया, बेजाज़ी खुदा समझा था मैंने तुम्हें। क्योंकि यकीन था बुरे से बुरा इंसान जमाने को धोखा देगा, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चे, इनको कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन तुमसे मिलने के बाद तो
कई मर्दों के बारे में सोच ही बदल गई। तुम पता है क्या हो? तुम वो जानवर हो जो मौका मिलने पर अपने बच्चे को भी खा जाए। सेठ रहीम से मिली थी मैं। उसकी बीवी ने मुझे पूरी दास्तान सुनाई है कि कैसे तुमने 50 लाख के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है क्या? क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और क्या निकला? काम करो ना मेहर, ये बकवास बंद करो। यहां से दफा हो जाए से पहले तुम्हारा खून कर दो। यही है तुम्हारी असलियत जो तुमने अरसे तक मुझसे छुपा के रखी। यही हो तुम रात। दफा हो जाए यहां से। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले तुम्हारा खून कर दो। हैवान देखा करे तुमने अभी? यहां से निकल के एक एक को जान से मार दूंगा मैं। अच्छा तुम बात सुनो, बात सुनो, मैं सच कह रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.